जय शनिदेव। नमस्कार दोस्तों, आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है आम आदमी को ही मिलता है गुप्तधन, गुप्तधन का रहस्य। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले, विश्लेषण करने वाले। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए दोस्तों, तभी आप ये बात समझ पाएंगे। हमारे चैनल का मकसद कोई अंधश्रद्धा फैलाना नहीं है, बल्कि जो सच बात है, जो सत्य है, वो आपके सामने लाना है। क्योंकि ये जो गुप्तधन की बात है दोस्तों, इसमें बहुत से फ्रॉड तांत्रिक और फ्रॉड बातें, अफवाहें बहुत सी फैली हुई है। इसमें लाखों लोगों का नुकसान हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है और इसमें बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि भ्रमित हो रहे हैं। इसी वजह से दोस्तों हमारा जो चैनल है वो मतलब जो गुप्तधन का जो सच है वो आपके सामने लाता है। तो दोस्तों, हमारा जो देश है वो आम आदमी का देश है और इस देश में मजदूर गरीब लोग बहुत है दोस्तों। और जो कोई गरीब इंसान है दोस्तों, वो अगर किसी अमीर इंसान को देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि हमने कोई बहुत बड़ा पाप किया, इसी वजह से भगवान ने हमको ये गरीबी दी है। और ये अमीर आदमी ने बहुत बड़ा पुण्य किया है, इसी वजह से इसको मतलब भगवान ने अमीर बनाया है। लेकिन दोस्तों, जो आम आदमी है उसको, उसके दिल को सुकून पहुँचे, उसके दिल को सुख शांति पहुँचे, आज मैं एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कि दोस्तों, मेरा ये साफ साफ कहना है कि जो आम आदमी दोस्तों, वो अमीर आदमी से भी मतलब भाग्यवान है। क्योंकि अगर आम आदमी नहीं होता, मजदूर नहीं होता, किसान नहीं होता दोस्तों, तो ये दुनिया नहीं चलती। लेकिन कैसा है दोस्तों कि गरीबी एक मतलब बहुत बड़ा दुख है इस दुनिया में। मैं तो कहता हूँ कि गरीबी किसी को ना आए, क्योंकि कैसा है कि ये ज़माने में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि कैसे गुजारा करे आम आदमी, वो ही जाने। तो दोस्तों, जो गुप्तधन है, तो गुप्तधन क्या है दोस्तों कि ये जो अगर गुप्तधन किसी को मिल जाए तो उसकी जो आने वाली जो 100 साल जो 100 पीढ़ियाँ है वो मतलब बैठकर दोस्तों खा सकेगी, इतना वो धन होता है। क्योंकि आज के ज़माने में जो सोने की कीमत है दोस्तों, वो बहुत बढ़ गई है। तो क्या बात है दोस्तों, ये जो गुप्तधन होता है दोस्तों, तो वो कैसा है कि वो तो मेरा जो तर्क है, जो मेरा अनुभव है, उसके हिसाब से दोस्तों मैं दावा करता हूँ कि गुप्तधन किसी अमीर आदमी को मिलता नहीं। अगर वो मिल भी जाता है दोस्तों, तो वो किसी गरीब आदमी को, किसी मजदूर को, किसी किसान को, किसी आम आदमी को दोस्तों मिलता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि किसी किसान को के खेत में हल चलाते वक्त धन मिल गया, किसी मजदूर को जमीन खोदते वक्त धन मिल गया। लेकिन क्या होता है कि वो जगह वो किसी और की होती है, किसी और के नाम की होती है, मतलब वो मजदूर के मालिक की होती है। इसी वजह से मजदूर के माध्यम से वो अमीर आदमी को धन वो मिल जाता है और वो अमीर आदमी अमीर बन जाता है। लेकिन जो सच बात है दोस्तों, वो पहले तो मतलब गरीब आदमी को ही धन मिलता है। क्योंकि जो भगवान गुप्त धन देता है तो वो मतलब किसी मजदूर को, किसी आम आदमी के नस में हो देता है। किसी अमीर आदमी के भाग्य में कभी गुप्तधन दोस्तों होता ही नहीं। निकालते हैं अमीर आदमी भी धन निकालते हैं, लेकिन किसी तांत्रिक के माध्यम से या किसी मतलब बहुत बड़े पंडित के माध्यम से वो मतलब वो धन निकलते हैं, लेकिन उनके खुद के नसीब में कभी गुप्तधन लिखा हुआ नहीं होता। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो मछुआरे समंदर में जाते हैं और मछुआरों को किसी मछली के पेट में मोती मिलता है या हीरा मिलता है, वैसी दोस्तों वो बात होती है। और फिर वो हीरा मोती मतलब जो सोनार होता है, जो जौहरी होता है, फिर वो उसके आगे कीमत बढ़ाता है दोस्तों, हो जाता है। लेकिन जो माध्यम में मिलने का, वो मतलब आम आदमी ही, वो चाहे वो मछुआरा हो या कोई किसान हो या कोई मजदूर हो, तो कैसा है दोस्तों कि ये सबसे बड़ा मतलब मैं तो कहता हूँ कि आम आदमी सबसे बड़ा भाग्यशाली आदमी है। क्योंकि ऐसा जो धन अगर किसी मजदूर के नसीब में लिखा है तो अमीर से भी और अमीर आदमी से भी दोस्तों बड़ा आदमी हो भाई। लेकिन कैसा है दोस्तों कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, उनका भी एक मतलब कर्तव्य होता है कि जो मजदूर है, जो गोर गरीब लोग हैं, जो किसान है, उनकी वो आर्थिक मदद करे, उनका जो जो घर संसार है, जो परिवार है, वो अच्छे से चल सके, इतना उनको मतलब हर दिन का उनको पैसा मिल सके, काम मिल सके, ये देखभाल करना हमारे गवर्नमेंट का भी दोस्तों काम है। लेकिन गवर्नमेंट देखभाल करती है, लेकिन जितना करना चाहिए दोस्तों, उतना वो आम आदमी का, मजदूर का ध्यान दोस्तों नहीं रखती। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि
जो अमीर आदमी दोस्तों अमीर बन रहा है और जो गरीब आदमी हो गरीब बन रहा है। तो दोस्तों अगर आपको आपका कुंडली का विश्लेषण करना है तो दोस्तों आज जो हमारा जो चैनल का जो नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है दोस्तों उस पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। लेकिन हमारे चैनल की कोई भी सुविधा फ्री में नहीं है, उसके लिए आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी इसकी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।